मैथ्स के इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी साथियों का स्वागत है। मेरा नाम है चर अग्रवाल। मैथ्स के वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको सरलीकरण टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, सिंप्लीफिकेशन जिसको कहते हैं। मतलब एक क्वेश्चन में अगर आपको बहुत सारे ऑपरेशंस करने पड़े, जैसे उसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी करना हो, डिवीज़न भी करना हो, ब्रैकेट भी हो, अलग अलग तरह के ब्रैकेट हो, तो कौन सा सीक्वेंस होगा सॉल्व करने का, यह जो हमको दुविधा होती है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो सरलीकरण के अंतर्गत आती है। और उसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल फॉलो करना होता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक, और वो है सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंप्लीफिकेशन। ठीक, कोई भी प्रश्न दिया हो उसको सरल करके उसका उत्तर आपको बताना रहेगा। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखते हुए बात करूंगा, एग्जाम्पल रखते हुए मैं आपके सामने एक प्रश्न रख देता हूं। 0.2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 क्यूब। ठीक है, अब ये जो हमारे सामने प्रश्न है, इसमें आपको देखिए प्लस भी करना है, गुणा भी करना है, फिर ब्रैकेट है उसका, स्क्वायर भी लेना है मतलब वर्ग लेना है, और फिर माइनस 3 है मल्टीप्लिकेशन, 0.2 0.2 का घन लेना है, क्यूब लेना है। तो इतनी सारी चीज़ें करनी है, तो आपको दुविधा ये होगी कि इसमें पहले क्या करना है ना। तो सबसे पहले जब ऐसी दुविधा आती है कि हमको इसमें पहले करना क्या है, उसका एक सॉल्यूशन है, इस समस्या का समाधान है, और वो है बोर्ड मास। ठीक है, बचपन में स्कूल में पढ़ा हुआ था वही चीज़ है। तो बोर्ड मास एक बार देख लीजिए, यह किसी भी प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने का सीक्वेंस होता है। ठीक है, क्रमागत रूप से, मतलब अगर किसी प्रश्न में सारी चीज़ें हैं जिसमें ब्रैकेट भी आता हो, बी से क्या है ब्रैकेट, ओ से होगा ऑफ, ऑफ वाले क्वेश्चंस करेंगे तो मैं बता दूंगा ऑफ क्या चीज़ है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। मतलब अगर किसी प्रश्न में ये सारी चीजें हो, तो आपको सबसे पहले किस पे फोकस करना है या किस पार्ट को सॉल्व करना है, उसका आंसर है ये। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न में अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हो, तो आपको फोकस करना होगा ब्रैकेट पे, मतलब किसी तरीके से आपको ब्रैकेट को हटाना होगा या ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अगला जो सिक्वेंस आएगा, नंबर आएगा, वो रहेगा ऑफ का, ऑफ को सॉल्व करना है। जहां भी प्रश्न में ऑफ दिखे किसी भी दो संख्या के बीच में, उस ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन ऑफ अगर हो गया, मल्टीप्लिकेशन तो करना है लेकिन वो डिवीजन से भी पहले होगा। देखिए, मल्टीप्लिकेशन से पहले डिवीजन और डिवीजन से भी पहले ऑफ, तो पहले ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर है, हालांकि वो मल्टीप्लिकेशन है, फिर भी डी से डिवीजन, उसके बाद आप डिवीजन पे फोकस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे आखिरी में। क्लियर है, तो ये सिक्वेंस है प्रश्न को सॉल्व करने का कि पहले क्या करना है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर आखिरी में घटाना करना है आपको। जब इस बात का अगर आप ध्यान रख लिए, तो इस प्रकार के प्रश्न बनाने में कोई भी डिफिकल्टी कभी भी आपको नहीं जाएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको, देखते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला है कि अगर ब्रैकेट होगा, बोर्ड मास से बी ब्रैकेट, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है उसको ओपन कर दीजिए, ये दो ब्रैकेट है। चलिए, तो बाकी चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा है, दिख रहा है 0.02 और उसका स्क्वायर है। तो अब दशमलव भी कहाँ पर हमको स्थापित करना है, ये भी दुविधा होती है कई लोगों की, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद ये दुविधा नहीं रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको फोकस करना है इस अंक पे, जो अंक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, दो दिखाई दे रहा है। दो का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, दो का वर्ग करोगे तो चार मिलेगा, इतना कर दिया। अब देखिए दशमलव लगाना है, वर्ग करने से पहले एक दो, दो संख्या के बाद में दशमलव था, तो जब वर्ग किया तो ये दो संख्या के बाद का दशमलव चार संख्या के बाद दशमलव हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए एक संख्या तो ये खुद हो गई, एक दो तीन चार, ये चार हो गए। अब यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए, भाई चार अंकों के बाद दशमलव लगाना है ना, तो चार ही मिला है, अब और कहाँ से लाएंगे, तो 0 0 0 लगाया है। तो एक दो तीन चार, चार शून्य के बाद यहाँ पर दशमलव,
तो आ जाएगा 0.0004, ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। बात समझ में आई? ऐसा करना है, दशमलव के बाद कितने अंक है उसको देखना है। अगर उसका वर्ग करना है तो जैसे दो संख्या है तो दो का वर्ग करेंगे, मतलब एक तरीके से दो संख्या के बाद दशमलव लगाना है, तो वर्ग करने के बाद वो दो बन जाएगा चार। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर आपको क्या करना होता, घन करना होता, ठीक है, तो दो अंकों के बाद है दशमलव, अब उसका घन करना है तो क्या हो जाएगा, दो दो चार दो छः, छः अंकों के बाद आपको दशमलव लगाना पड़ेगा दाएं से शुरू करते हुए। क्लियर है? इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है अंकों का कि कितने अंक के बाद है, दो अंक के बाद है, दो अंक को तीन से गुणा करेंगे तो छः आ जाएगा, छः अंकों बाद दशमलव लगाना है। फिलहाल तो यहाँ पर दो था तो दो अंकों बाद लगाना था, लगा हुआ है, और वर्ग करने के बाद दो और दो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, तो चार अंकों बाद एक दो तीन चार दशमलव लगा दिया, ये हो गया सॉल्व। माइनस थ्री एज इट इज़ लिख दीजिए, गुणा, अब इसको ओपन कीजिए, चलिए देखिए 0.2 है तो एक अंक के बाद है दशमलव, तो एक गुणित तीन कितना होगा, तीन आ गया आंसर, और तीन अंकों के बाद आपको दशमलव लगा देने हैं तो दो, अच्छा रुके, दो का क्यूब भी तो करना है पहले, ये दो दिख रहा है हमको, और दो का क्यूब करना है, दो का घन लेना है, तो कितना आ जाएगा आठ, दो का घन करने से आठ, तो तीन संख्या बाद आप लगाइए, एक दो तीन दशमलव, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। क्लियर है? तो ब्रैकेट हट गया क्वेश्चन से। अब पूरे प्रश्न में या तो गुणा करना है या तो धन या तो घटाना, तो अब बताइए क्या करूं, पहले धन करूं कि गुणा करूं या घटाना करूं? तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या था, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास में देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, बचा क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो अब आपको देखना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन करना। ठीक, तो 0.2 प्लस है ना, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए इन दो संख्याओं के बीच गुणा करना है, कर दीजिए, दो का गुणा इसके साथ करेंगे, दो दशमलव संख्या नहीं है तो दशमलव वही स्थान पर रहेगा जहां पर पहले था, तो 0.008, क्यों, चार दुनी आठ होता है, माइनस ऐसे ही रहेगा। अब इन दो संख्या का गुणा करना है तो देखिए क्या होगा, दशमलव उतने ही अंकों के बाद रहेगा जितना पहले है, क्योंकि यहां पर दशमलव नया अंक नहीं है, तो आठ या कितना होता है 24। ठीक, दशमलव कितने बार, कितने अंकों के बाद, एक दो तीन, एक दो तीन, क्लियर है, एक दो तीन पहले भी था, दशमलव का स्थान तो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि जो यहाँ पर संख्या है वो दशमलव संख्या नहीं है और नया अलग से दशमलव नहीं आ रहा है, इस कारण ये हो जाएगा ऐसा। तो अब देखिए या तो प्लस करना है या तो माइनस करना है, कर लीजिए आराम से, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.0, देखो इसको ऐड कैसे करते हैं, 0.02 है और नीचे इसको ऐड करना है इसके साथ, तो दशमलव को दशमलव के नीचे, फिर यहाँ से लाइन से आप जमा दीजिए 0000008, इसको ऐसे ऐड करते हैं, मतलब दशमलव के बाद आप बाएं से दाएं लिखना चालू कर देते हैं अंक को, जबकि दशमलव के बाएं तरफ दाएं से बाएं लिखते हैं अंकों को जोड़ने के समय। क्लियर है? 0.2008 आएगा। अब इस संख्या जो इनको धन करके प्राप्त हुई है इसमें से हमको घटा देना है क्योंकि एक ही संख्या बची है, घटा दीजिए 0.0 के नीचे दशमलव, राइट साइड से जमाना चालू करेंगे, मतलब 0.24 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो शून्य आएगा, घटा दीजिए 8 में से 0 गया 8, यहाँ पर 0 है 4 है 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 10 था 1 ले लिए तो 9 बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर से 1 उधारी लेके चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर बचा है 1 और यहाँ पर 0, तो 0.1768 ये होगा आंसर। क्लियर है? तो इस सीक्वेंस में अगर आप चलेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, बताने में समय लगता है लेकिन एक टाइम पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इस स्थिति में आ जाएंगे कि यह जो प्रश्न है ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड से 30 सेकंड में, मतलब आधे मिनट में सॉल्व आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कुछ और प्रकार के प्रश्न हम देखते हैं जिसको सॉल्व करना है आपको, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है इस प्रकार का मैं लेने वाला हूं, वैरायटी चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। 11 का वर्ग प्लस 11 का घन डिवाइड बाय 11 का वर्ग
माइनस 11 प्लस 11 ऑफ 11, ठीक है। 11 स्क्वायर प्लस 11 क्यूब डिवाइड बाय 11 स्क्वायर माइनस 11 प्लस 11 ऑफ 11, इसका उत्तर हमको पता करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पूरे प्रश्न में क्या बताइए, ब्रैकेट दिख रहा है क्या, बोर्ड मास से बी से ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट तो दिख नहीं रहा है, उसके बाद क्या आता है ओ, ओ से होता है ऑफ और ऑफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 11 ऑफ 11 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 ऑफ 11 सबसे पहले करेंगे तो क्या मिलेगा, 11 गुणित 11, मतलब मैंने आपको बताया था ऑफ की जगह पे आपको गुणा ही करना है, लेकिन उसको आपको डिवीजन से पहले मतलब भाग से पहले करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा वैसा। तो 11 ऑफ 11 मतलब 11 गुणित 11 आपका रिजल्ट दे देगा 121, इसके बदले 121 आ गया। अब चूंकि ये तो आ गया है सॉल्व करके, बचा हुआ पोर्शन कितना है, इतना, तो आप बताइए इतने में आप क्या करेंगे, और इतने में करेंगे आप, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपको कि डिवीजन करना है, भाग करना है, कि किसका भाग करना है, 11 के घन में भाग देना है 11 के वर्ग का, तो सीधा सीधा 11 का वर्ग कट जाएगा और इसका घन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या 11, 3 11 में से 2 11 कट जाएगा, 1 11 बचेगा, तो इसके बदले आ गए क्या 11, तो प्रश्न क्या परिवर्तित हो गया, 11 का वर्ग यहाँ पर धन है वो चेंज नहीं हुआ है, धन इसके बदले आ गया 11, यहाँ पर माइनस 11 बचा हुआ है ये, और धन ये भी बचा हुआ था, और इसके बदले क्या आ रहा था 121, बात समझ में आ रही है। अब देखिए 11 का वर्ग कर दीजिए, अब देखिए या तो धन करना है या तो ऋण करना है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके पहले ये जो 11 का वर्ग है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11 का वर्ग कितना होता है 121, फिर धन माइनस प्लस इतना बचा है, प्लस माइनस कुछ भी कर लीजिए, तो सीधा हम ये बोल सकते हैं क्या, धन 11 और ऋण 11 कट जाएंगे, प्लस 11 माइनस 11 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 121, और इसके सामने भी क्या है प्लस है, मतलब 121 प्लस 121 बचेगा कितना 242, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाइएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक और प्रश्न लेते हैं हम, ये थोड़ा सा मैं अब लेवल बढ़ा रहा हूँ किसी भी प्रश्न का, 1/2 गुणित 6/5 भाग करना है 3/4 ऑफ 1/2 3/8 गुणित 24 प्लस 8 माइनस 3, इसका मान बताना है सरलीकरण करके, सिंप्लीफाई करना। देखो अभी ऐसा लेवल है जो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, है ना। अब देखिए मैं कभी कुछ हिंदी में बोल दूंगा, कभी कुछ इंग्लिश में बोल दूंगा, तो आई थिंक यहाँ पर लैंग्वेज का बाउंडेशन नहीं होगा किसी के लिए भी, मैथ्स का सब्जेक्ट है तो हिंदी में बोलूँ कोई भी अंक को या इंग्लिश में बोलूँ या मिक्स करके बोल रहा हूँ जैसे कि मैं आपके सामने अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो जी समझ जाइएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं सरलीकरण के, तो इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। देखिए अंश और हर का पार्ट है तो आंसर भी आप अंश और हर मिलाने की कोशिश करेंगे, तो सेपरेटली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सेपरेटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो शुरू करते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप ऐसा कर लीजिए, अंश को अलग ट्रीट करिए और अंश में देखिए कि कौन कौन सी ऑपरेशंस आपको करने हैं, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन करना है और ऑफ भी है, तो आपको आंसर आसानी से पता है बोर्ड मास से, बोर्ड मास में ऑफ पहले आता है तो मैं पहले ऑफ करूंगा, किसको ऑफ करूंगा, 3/4 और 1/2 के बीच में है तो 3/4 ऑफ 1/2 ऑफ के बदले ही लगाया है ये मैंने, है ना, लेकिन वो डिवीजन से पहले होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पहले इसको सॉल्व कर लें, अगर आप 6/5 को 3/4 से पहले भाग दे देते हैं तो आपका उत्तर गलत आएगा, क्योंकि डिवीजन से पहले आपको ऑफ करना है, इसी कारण इसको और इसको लूंगा गुणा करते हुए। चलिए गुणा कीजिए क्या होगा, 3/4 को गुणा करेंगे 1/2 से तो क्या आएगा 3/8, क्लियर है दोस्तों। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 सबको ऐसी रहने दो, 6/5 भागित, अब ये तो हो गया सॉल्व हमारा, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, क्या आया 3/8, क्लियर है, ये ऊपर वाला हमने एक स्टेप सॉल्व कर लिया। नीचे आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं हर में, डिनोमिनेटर में, अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या आपको करना है सबसे पहले सॉल्व, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, प्लस है, ऑफ नहीं दिख रहा है, सबसे बड़ा जो पहले करना है हमको दिख रहा है डिवीजन,
तो हम डिवाइड कर देंगे 3/8 को 3 से, भाग दे देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 24 धन 8 में एक लाइन लगी हुई ऊपर, ध्यान रखें वो बार नहीं है। किसी भी अंकों की पुनरावृत्ति के लिए उसके ऊपर बार लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दो संख्या के बीच में धन है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक ऑपरेशन के ऊपर एक लाइन लगी हुई है जिसको बार नहीं कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो सुनिए, जब कभी भी आप बोर्ड मास पढ़ते हैं, बोर्ड मास पढ़ते हैं, तो सामने में एक और एक जगह, कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड मास के सामने वी लगा होता है, वी, और वी से आपको जानना है ये होता है विनक्यूलम, विनक्यूलम, ठीक है, विनक्यूलम, ठीक, एक तरीके का ब्रैकेट ही होता है इस प्रकार का, मतलब किसी भी ऑपरेशन, मतलब धन ऋण गुणा के ऊपर या दो संख्याओं के ऊपर इस प्रकार से एक लाइन दिखाई देगी उसको कहते हैं विनक्यूलम, ठीक है, VINCULUM, विनक्यूलम, क्लियर है। तो एक तरीके का वो ब्रैकेट ही होता है जो ब्रैकेट से पहले सॉल्व होगा, सबसे पहला प्रेफरेंस होगा वो सॉल्व करने के ऑर्डर में। तो नीचे हालांकि यहाँ पर भाग है, लेकिन इन दोनों के ऊपर चूंकि विनक्यूलम लगा हुआ है तो सबसे पहले 24 धन 8 होगा, मतलब भाग से पहले भी धन करना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर वो विनक्यूलम लग गया है, क्योंकि बोर्ड मास बी से पहले भी वो आ रहा है। बात समझ में आ गई, तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न कभी भी बन सकते हैं, अभी तक तो फिलहाल नहीं देखने को मिला है, लेकिन बन सकता है प्रश्न, और कहीं बन गया तो बहुत सारे लोग गलत करेंगे, इतना तय है, क्योंकि वो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे। समझ में आ रही बात। तो चलिए, 3/8 वैसे ही रहेगा, भाग वैसे ही रहेगा, 3 वैसे ही रहेगा, गुणा वैसे ही रहेगा, 24 धन 8 कर देंगे और मिल जाएगा 32। ये हट गया विनक्यूलम, मतलब ब्रैकेट हटा दिए एक प्रकार से, और ये हो गया -3। तो ये एक एक स्टेप मैंने सॉल्व कर लिया अंश और हर का। आगे फिर से बढ़ते हुए एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो पहले न्यूमरेटर की बात कर लिए, अब यहाँ पर दिख रहा है गुणा और भाग, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। किसका भाग करेंगे, तो देखिए, किसका भाग करेंगे, भाग करेंगे 6/5 का, किसके साथ, 3/8 के साथ भाग करेंगे। तो देखिए भाग कैसे करते हैं, 6/5 को भाग दे देना है 3/8 से। इसका मतलब यही होता है कि 6/5 को अगर भाग का चिन्ह बदल के गुणा कर दूं, तो जो दूसरा वाला परिमेय संख्या है वो उल्टा हो जाता है और बन जाता है 8/3। 3/8 का क्या बन गया, 8/3। तो सीधा समझना है कि भाग का चिन्ह अगर गुणा में परिवर्तित हो जाए तो दूसरा वाला जो परिमेय संख्या रहता है, रैशनल नंबर रहता है, वो उल्टा हो जाता है, 3/8 का 8/3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और कुछ तो नहीं कटेगा, तो क्या बन जाएगा, ये 16/5, भाग करके क्या मिलेगा, 16/5। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमको मिल गया क्या, 16/5। 1/2 तो वैसे ही है, गुणा वैसे ही है, आपका हो गया 16/5, क्लियर है। नीचे आइए, नीचे बोलेंगे कि आप भाग कर देते हैं फिर से, किसका, 3/8 का भाग करना है 3 के साथ, तो मतलब ये क्या होगा, 3/8, और नीचे आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि अगर भाग का चिन्ह गुणा में कर परिवर्तित कर दें तो ये 3 बन जाएगा, 1/3 उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/8, क्लियर। तो इसके बदले आपको लिख लेना है यहाँ पर 1/8, गुणा वैसे ही रहेगा 32 के साथ और ऋण 3। यहाँ तक पहुँच गए, अब एक स्टेप और सॉल्व हो जाएगा हमारा। देखिए गुणा है, देखिए भाग होता है तो ये कैंसिल नहीं होगा कभी भी, ऊपर नीचे वाला भाग, हाँ ये इससे कैंसिल हो सकता है अगर कैंसिल हो पा रहा है, और ये इससे होगा, लेकिन इन दोनों पेयर में कैंसिल नहीं होगा कभी भी। लेकिन वही गुणा होता है अगर किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में, रैशनल नंबर के बीच में, तो इसका हर दूसरे वाले के अंश के साथ और दूसरे वाले का हर पहले वाले के अंश के साथ कैंसिल हो सकता है। तो देखिए गुणा है ना, तो यहाँ से 2 × 8 = 16, क्लियर, तो क्या बन जाएगा ये, 8/5, ऊपर वाला पोर्शन बन गया 8/5। नीचे देखिए गुणा है, यही पहले करेंगे आप, तो 8 × 32, 8 × 4 = 32, तो यहाँ पर आ गया 4 और -3 बचा हुआ था। तो आखिरी स्टेप देखिए, 8/5 तो ऐसे ही रहेगा, नीचे 4 -3, 4 -3 कितना बचेगा, 1, 8/5
भाग जाएगा एक से किसी को भी भाग दे दो वही रहने वाला है, मतलब आखिर में आंसर आ जाएगा 8/5। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको सरलीकरण के प्रश्न करने हैं, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी लंबा हो अंश और कैसा भी हो, स्टेप वाइज अगर चलेंगे शुरू में प्रैक्टिस करते हुए तो आपसे कभी भी प्रश्न इसके गलत नहीं होंगे। क्लियर है, नई चीज़ देखने को मिली उसको ध्यान रख से नोट करिएगा, विनकुलम। क्लियर है, एक दो प्रश्न का उदाहरण मैं और दे दूंगा जो थोड़े अलग टाइप के हैं। चलिए ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, सिंपल होते हुए अच्छा एग्जांपल है ये। आठ गुणित ब्रैकेट में है, बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर ये वाला ब्रैकेट, ठीक। 7-4 इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, विनकलम लगा हुआ है, +2 ठीक, डिवाइड बाय 5 गुणित 6+2 -4 ऑफ 2 ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। ये है प्रश्न, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और पिछले जो दो वीडियो हैं मैथ्स के उसके भी मैं आंसर मैंने कमेंट बॉक्स में आपसे पूछे थे, तो कुछ लोगों ने उसका उत्तर दिया हुआ है, जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, मधु नेताम, नेहा देवांगन ठीक है, चंद्र प्रताप सिंह और अखिलेश पटेल, इन चार लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर भेजे हुए हैं। सही उत्तर क्या है, कितने का सही उत्तर है, कितने का गलत है, यह मैं बाद में रिवील करूँगा, मतलब सही उत्तर क्या है यही रिवील करूँगा, कुछ लोगों को और मौका दे देते हैं एक दो दिन का, ठीक है। तो ये उन लोग थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में भी आपको मैं मौका दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में उत्तर बताने का, जो भी उत्तर अपने देंगे कमेंट बॉक्स में मैं उनको उनका नाम लूँगा अगले वीडियो में। क्लियर है, तो चलिए ऑप्शन आपके सामने दे देता हूँ इस प्रश्न का। ऑप्शन होगा ए 8, बी हो जाएगा 1, सी हो जाएगा 0 और डी हो जाएगा -63। ये हो गया एक प्रश्न, ठीक है, इसका उत्तर आपको बताना है। चलिए एक थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न ले लेते हैं जिसको मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताऊँगा। 6/8-17/3 -2-4/2-3/2 6-11/3, ये ऐसा प्रश्न है ठीक है, जिसका उत्तर हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको सॉल्व करना। दो अलग अलग टर्म दिख रहे हैं और दोनों में अंश और हर, अंश और हर और भी है, और किसी भी हर की बात करें तो उसमें भी अंश हर वाले रैशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या है, इसमें भी वैसे ही है। मल्टीपल रैशनल नंबर या बहुत सारे परिमेय संख्या हमको दिखाई दे रहे हैं दो अलग अलग पार्ट के रूप में। सॉल्व करते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आप सीक्वेंस के तौर पे चलें तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें तो सबसे पहले देखिए, एक ही अंश है लेकिन हर ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब हर में भी एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर तो अंश में ही अनेकों परिमेय संख्या दिखने को मिल रही है और हर में भी यहाँ पर एक अनेक एक अलग परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपके ऐसे प्रश्न में उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप दोनों पार्ट में सिर्फ एक अंश और एक हर ला पाएँ, सिंगल न्यूमरेटर और सिंगल डिनोमिनेटर होना चाहिए इसमें और इसमें दोनों में। क्लियर है, सिंगल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ये ऐसा दिखना चाहिए, इधर भी एक ही अंक ऊपर एक ही अंक नीचे, इधर और इधर दोनों में, ऐसा प्रयास होना चाहिए आपका सबसे पहले। तो चलिए रिड्यूस करते हैं ऐसे प्रश्नों को, क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, मतलब सरलीकरण ही कर रहे हैं। चलिए ऊपर तो एक ही अंश है तो 6 ही रहेगा, उसमें कुछ करना नहीं है अभी। अब नीचे देखो 8-17/3 8-17/3 तो इसमें क्या है, सीधा सीधा परिमेय संख्याओं का योग और परिमेय संख्याओं का घटाना वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो बहुत ही सामान्य है। तो जब घटाते हैं या जोड़ते हैं तो उसमें हमको हर का लघुत्तम लेना पड़ता है, जैसे यहाँ 8/1 है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, वो क्या होता है एक होता है, तो इनके हरों का क्या लेते हैं लघुत्तम, तो 1 और 3 का लघुत्तम क्या होगा 3। इस 3 को 1 से भाग देंगे तो 1 + 3 और 3 जाके गुणा हो जाएगा 8 के साथ, मतलब 8 × 3 ऐसा ठीक है। 3 को 1 से भाग दिया मतलब यहाँ पर जो लघुत्तम आता है उसको इसके हर से भाग देते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको अंश में गुणा कर देते हैं, है ना।
तो एक तिया तीन और तीन को गुणा कर दिया आठ से, माइनस तीन एकम तीन, एक बार में ही जाएगा तो सत्रह गुणित एक करें तो सत्रह ही होने वाला है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं उधर तरफ, ये दो माइनस है लेकिन इसको अभी वैसे ही रहने देना क्योंकि इधर हमको पहले सॉल्व करना है, ठीक। अब इधर का जो अंश है वो तो चार ही है तो उसको वैसे ही रहने दो, अब नीचे का सॉल्व करने की बारी आएगी। तो फिर से दो माइनस तीन बटे दो क्या हो जाएगा लघुत्तम दो, यहाँ पर मान लेते एक, दो को एक से भाग देंगे, एक दूनी दो, दो चला जाएगा इसके साथ गुणा होने, मतलब दो गुणित दो, माइनस दो एकम दो, मतलब तीन के साथ एक का गुणा होगा, मतलब तीन ही मिलेगा, क्लियर है। नीचे बढ़िए, नीचे बढ़ेंगे तो छः बटे एक इस तरीके से है, लघुत्तम एक और तीन का तीन, एक तिया तीन, छः तिया अट्ठारह, माइनस तीन एकम तीन, मतलब ग्यारह सा एक का गुणा होगा ग्यारह से तो वो ग्यारह ही होगा, क्लियर है। यहाँ तक हम बढ़ गए, चलो सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। छः बटे आठ तिया चौबीस माइनस सत्रह, आठ तिया चौबीस माइनस सत्रह कितना होगा सात बचेगा, तो यहाँ पर कर लिया सात बटे तीन, ठीक है। माइनस अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, दो ऋण, थोड़ा नीचे कर देता हूँ वो आगे जाके दिक्कत होगा, टू माइनस चार बटे दो दूनी चार माइनस तीन, फोर माइनस थ्री वन, वन बाई टू बचा हुआ है ना, यहाँ पर एक आएगा, दो दूनी चार ऋण तीन, मतलब एक, एक बटे दो, एक बटे दो डिवाइड बाई नीचे बचा हुआ है छैती अट्ठारह माइनस ग्यारह, एटीन माइनस इलेवन सेवन बचेगा, मतलब यहाँ पर सेवन और नीचे क्या है तीन। चलिए आगे सॉल्व करें, उधर तरफ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रश्नों को। तो देखिए उधर क्या होगा, छः बटे साठ बटे तीन है, सिक्स डिवाइड बाई सेवन बाई थ्री है, तो चला जाएगा थ्री ऊपर और सेवन नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। कोई भी दूसरे परिमेय संख्या को अगर आप गुणा, भाग है ना यहाँ पर, ये भाग है ना, इसको गुणा में परिवर्तित अगर करोगे तो जो ये वाला परिमेय संख्या वो उल्टा हो जाएगा, सात बटे तीन का तीन बटे सात हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ऋण अब देखो ये चीज़ बचा हुआ है ना, दो ऋण चार बटे एक बटे दो, तो ये एक बटे दो जब ऊपर जाएगा तो दो चार गुणित दो हो जाएगा आठ हो जाएगा, और दो ऋण आठ ऐसा हो जाएगा ये, है ना, दो चला जाएगा ऊपर चार के साथ गुणा होने, तो चार दूनी आठ, तो दो ऋण आठ टू माइनस एट बचेगा ऊपर और नीचे यहाँ पर अभी भी क्या है सात बटे तीन। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो गया अट्ठारह बटे सात, और ये देखिए दो ऋण आठ टू माइनस एट कितना बचेगा, ये कितना होगा, ये बड़ी संख्या ऋण है ना, तो यहाँ पर ये बचेगा ऋण छः, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर ये बचेगा ऋण छः, ठीक है। तो देखिए ऋण कर दिया, यहाँ पर पहले से ऋण है और यहाँ पर ऋण छः अलग से आ गया, नीचे सात बटे तीन। चलिए एक स्टेप और, अठारह बटे सात, ऋण और ऋण मिलके क्या हो जाएंगे धन, माइनस माइनस प्लस, अब ये तीन ऊपर चला जाएगा, भाग में है तीन ऊपर चला जाएगा, तीन बटे सात हो जाएगा, मतलब छः गुणित तीन बटे सात, मतलब फिर से क्या आ गया वो अठारह बटे सात एक था, अठारह बटे सात एक और आ गया, तो अठारह बटे सात, अठारह बटे सात का लघुत्तम आ गया दोनों का, और अठारह प्लस अठारह एक एक गुणा हो जाएगा उसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अठारह गुणित अठारह सॉरी अठारह धन अठारह, एटीन प्लस एटीन थर्टी सिक्स बटे सात, थर्टी सिक्स बाई सेवन आंसर है, ठीक है। सिखाने के लिए इतना टाइम लगा क्योंकि एक एक स्टेप मैंने पकड़ा है, कुछ समय के प्रैक्टिस के बाद ऐसा होगा कि दो दो स्टेप आप एक साथ करने लग जाएंगे, मतलब यह सारा जो मैंने एक एक स्टेप में किया है यह पूरा एक बार में सॉल्व हो जाता है, यकीन मानिए। कुछ समय की प्रैक्टिस, बहुत ही कम समय की प्रैक्टिस लगेगी, बहुत ही ईजी टॉपिक है, बस सिक्वेंस का ध्यान रखना है इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो एक दो प्रश्न मैं आपको और होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ सो दैट आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ और सही उत्तर बता पाएँ, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद चलिए नोट करिएगा प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। एक प्रश्न ये हो गया जो मैंने आपको दिया है, दूसरा प्रश्न नोट कीजिए जो आपको करना है, वन बाई थ्री माइनस फाइव बाई सेवन
ऑफ वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन वन माइनस थ्री बाई फाइव, इसका वैल्यू बताना है। ऑप्शन में दे देता हूँ आपके सामने, ऑप्शन ए होगा 1/7, ऑप्शन बी होगा 1/-1/7, ऑप्शन सी होगा 1/3 और ऑप्शन डी होगा -1/3। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। एकाध और प्रश्न अगर अच्छा मिल जाए तो मैं दे देता हूँ आपको, सो दैट आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए एक साधारण प्रश्न आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रश्न क्रमांक 3, बाकी फलन देखेंगे अगली क्लास में। 5 × 6 − 3, उसके ऊपर में लगा है विनिकलम, डिवाइड बाय 4 + 1, डिवाइड बाय 4 + 9। ऑप्शन ए है 21/2, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 16। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिख के आपको बताने होंगे, सॉल्व करके बताने होंगे। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्न बनेंगे, और उतना ज़्यादा भी मैं आपसे नहीं करा रहा हूँ कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन का ही 3-4 क्लास ले लूँ, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जितना मैंने अलग अलग वैरायटी का बताया उतना करते हुए, उतना समझते हुए अगर आप इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, तो आप इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि अगर एक बार रिवाइज हो जाए तो आप डेफिनेटली प्रश्न बना के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ईजी भी है। प्रश्नों को ध्यान में, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को ध्यान में रख के सारे टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा, कोई भी चीज़ आपका नहीं छूटेगा, इतना इंश्योर आप रहिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मैथ्स के। धन्यवाद।